चलो बच्चा, एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर में सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं, एक लेटर हेड होता है, पेपर होता है, ठीक है, सबसे पहले। देन उसके बाद क्या डेट को एकदम राइट साइड भी लिख सकते हैं? डेट को हमेशा ट्राई करो किसमें लिखने का? वर्ड्स में, राइट लेफ्ट तो हो सकता है, वर्ड्स में भी लिखना चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो। वेरी गुड। चलो स्पेशल मार्किंग के लिए स्पेस छोड़ दो। इनसाइड एड्रेस जिसको भी दे रहे हो, अटेंशन लाइन किसी को अटेंशन करना चाहते हो वो स्पेसिफिक पर्सन। वेरी गुड। सैल्यूटेशन क्या था? डियर सर बेस्ट है। सब्जेक्ट हेडिंग क्या बड़ा था? सब्जेक्ट पर्पस के नीचे। वेरी 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 गुड। हाँ लेटर में दिया ना सब्जेक्ट हेडिंग, सब्जेक्ट पढ़ा था ना। अच्छा इसमें, हाँ इसमें नहीं, हमने पढ़ा था। तो तुम्हें सब्जेक्ट में याद हो, जो बहुत बड़े लेटर्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, जो बच्चा छोटे होते हैं तो उसमें आप मत लिखिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसमें ज्यादा लिखना ही चाहिए था ना। चलिए मेन बॉडी, मेन बॉडी में कितने पार्ट थे? पहला इंट्रोडक्शन, मेडल, देन कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर फेथफुली है ना, वेरी गुड। सिग्नेटरी में वेरी गुड, साइन होना चाहिए, उसके नीचे नाम होना चाहिए और फिर डेजिग्नेशन। इनक्लोजर और एनेक्सचर में डिफरेंस क्या था? सपोर्टिंग जो देना ही चाहिए, एनेक्सचर जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शनल है जो आप खुद देते हो, ठीक है। चलिए एक्चुअल में है ना, चलिए पढ़ लिया था ये सब, एकदम फ्रेश टॉपिक में आएंगे। आ जाइए बच्चा, हेडिंग देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। चलिए इन्होंने कहा दो टाइप है, पहला क्या लिखा है? फॉर्मल। दूसरा क्या है? इनफॉर्मल। बच्चे एक बिजनेस लेटर फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है, ये तो हम बचपन से समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे, जितनी भी बिजनेस डील्स होंगी, जितनी भी बिजनेस डील्स होंगी तो उसमें क्या होगा बच्चा? फॉर्मल होगा। कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है, मतलब क्लाइंट वगैरह ऑर्डर दे रहे तो क्या होगा बच्चा? फॉर्मल। कोई भी क्लेम किया जा रहा है, कोई भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो रहा है। बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं एग्जाम्पल्स बताए फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में क्या क्या आते। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल लेटर में ही बात करते हैं, मतलब जो अभी हमने एक एसेंशियल एसेंशियल पढ़े ना, हमें वो फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा अग्रीमेंट्स फॉर्मल में आएगा बच्चा। इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट की बात हो रही है बच्चा, इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की बात हो रही है। कोई रिपोर्ट बनाई गई है, सेल्स रिपोर्ट, देन अदर ऑफिशियल मैटर। इन शॉर्ट बता बच्चा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी बातें किस नेचर की होगी बच्चा? फॉर्मल, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा इनफॉर्मल भी होता है। इन्होंने कहा इनफॉर्मल कैसा क्या होता है? इन्होंने बोल दिया एक मेमोरेंडम होता है। सबसे पहले मेमोरेंडम वर्ड का मीनिंग बताओ। वेरी गुड। फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग फॉर दी फ्यूचर। मेमोरेंडम की बात हो रही है बच्चा। इन्होंने कहा अप्रेशल की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात हो रही है, थैंक्स। बच्चा एक बार एग्जांपल पूरा रीड करो फिर बता रही। रेफरेंस लेटर की बात हो रही है, कवर लेटर की बात हो रही है, कस्टमर का बच्चा, कंप्लेन लेटर की बात कर रहे हैं, ईमेल की बात कर रहे हैं, एंड अदर विच आर बच्चा लेस इंपॉर्टेंट और बच्चा लेस रेगुलर। ये सारे एग्जाम्पल्स बता रही मैं बच्चा। जब डायरेक्ट अगर आप नोटिस करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट जब क्लाइंट से डील कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट क्लाइंट से डील कर रही है तो बच्चा क्लेम कर रहे, डिस्प्यूट हो रहा है बच्चा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरीके से लेस इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल मेमोरेंडम क्या है? कुछ रिकॉर्ड करके रख रहे हैं फ्यूचर पर्पज के लिए, थोड़ा फॉर्मेट इधर उधर चलेगा ना। नेक्स्ट अप्रेशल, अप्रेशल क्या होता है? प्रमोशन होना बच्चा, प्रमोशन। ये कह रहे प्रमोशन देने का एक लेटर मैं आपको दे रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा फॉर्मल होगा। क्या नहीं, हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तो उसमें फॉर्मेट में क्या बहुत ज्यादा वजन दोगे आप? बिल्कुल नहीं। ये कह रहे इंटरव्यू होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं बहुत कैजुअल इंटरव्यू होते हैं बच्चा। एक्चुअली में होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन पहले आ चुकी है, ये बस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं,
ये बस किसकी, जो आपका और मेरा इंटरव्यू हो रहा है उसमें जितने भी डिस्कशन होंगे वो सब किस नेचर के होंगे बच्चा, इनफॉर्मल। आपको थैंक्स बोला जा रहा है या फिर कभी कभार कॉन्ग्रेचुलेट बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी एक लेटर रहता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपका कोई कलीग है जिसका प्रमोशन हो गया, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कहोगे, ठीक है, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा थैंक्स का, वो सब क्या हो गया बच्चा, सब इनफॉर्मल है, सब इनफॉर्मल है। फिर क्या लिखा है, कुछ रिफर किया जा रहा है बच्चा, एक होगा मेन लेटर एक होगा रेफरेंस, तो मेन लेटर क्या होगा फॉर्मल हो जाएगा, और उसको रिफर रेफरेंस लेटर की, भैया हम उस लेटर की बात कर रहे, हम पूरी बातें कंप्लीट नहीं बता रहे, पूरी बातें कंप्लीट बताते तो फॉर्मल, लेकिन हम उसको बस कह रहे हैं कि वही सारी चीजें जो उसमें हमने कवर कर रही थी, तो ये क्या हो जाएगा इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्या लिखा है, कवर लेटर, एक होता है बिजनेस लेटर, एक होता है बच्चा बिजनेस लेटर, और एक होता है इसका इंट्रोडक्शन, एक क्या होता है बच्चा इसको इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं कवर लेटर। फॉर एग्जाम्पल कि भैया आप जो पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रीएम्बल पढ़ा रही थी, आप जो पढ़ने वाले हो बहुत लंबा चौड़ा है, हमने शॉर्ट में बता दिया कि ये क्या है, तो कवर लेटर मेन चीज के बारे में शॉर्ट में बता रहा है, तो कवर लेटर। ये सब नोटिस करोगे तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लेटर्स है, सप्लीमेंट काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कस्टमर क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, वो क्या बहुत ज्यादा फॉर्मेट कर रहा होगा, वो तो गुस्से में जो कुछ है लिख रहा होगा ना, तो कस्टमर का कंप्लेन लेटर भी क्या है बच्चा इनफॉर्मल, लेकिन कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो वो फॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, जितने भी ईमेल्स होते, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो तो आप एक ईमेल ड्राफ्ट सीखोगे, जब एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल से बात करे तो वो प्रॉपर ईमेल जब करेगा तो फिर वो होगा फॉर्मल, लेकिन बच्चे ये सब कस्टमर क्लाइंट्स मेल कर रहे हैं जो फीडबैक दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं, तो वो सब क्या होगा बच्चा इनफॉर्मल। ये सारे के सारे क्या है बच्चा, लेस इंपॉर्टेंट और लेस रेगुलर कभी कभार जो होते हैं, तो इसीलिए एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। आपको बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये सब अंदर की रिपोर्ट्स है, अंदर की कुछ इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, इसीलिए ये फॉर्मल है और बाकी सब क्या है बच्चा इनफॉर्मल। एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्वेश्चन आएगा कि गिवन जो फोर ऑप्शन है इसमें से कौन सा फॉर्मल और कौन सा इनफॉर्मल। क्लियर है बच्चा, चलिए बच्चा अब लेआउट की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाय लेआउट, अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए लेटर का लेआउट बच्चा, अब आपके लेटर्स होते हैं, ये दो लेटर दिख रहे हैं आपको, अब बच्चा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको मैंने आपको बताया कि लेटर में आप क्या लिख रहे थे, सारी की सारी चीजें किस साइड लिख रहे थे बच्चा, लेफ्ट साइड, कभी कभार कोई एक चीज राइट साइड भी लिख रहे थे, जैसे कि डेट, डेट को क्या कह रहे थे ऑप्शन है, राइट भी लिख सकते हो और लेफ्ट भी। बचपन में बच्चा जब हम बचपन में थे तो हमें कुछ चीजें राइट में लिखाई जाती थी, कुछ चीजें लेफ्ट में लिखाई जाती थी, लेकिन फिर फॉर्मेट बदल दिया गया और क्या बोल दिया गया कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चा राइट की लेफ्ट हो जाएगी, सारी चीजें राइट में हो जाएगी, सॉरी सारी चीजें लेफ्ट में हो जाएगी, इस साइड मतलब लेफ्ट है, ठीक है। चलो वापस बच्चा, ये पेपर के दो कोने हैं, एक तरफ क्या होगा बच्चा राइट होगा और एक तरफ क्या होगा बच्चा लेफ्ट। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, है ना, मेरा जमाना तुम्हारे जमाने से बहुत पुराना है, तो हम लोग ऐसे ऐसे लिखते थे और थैंकिंग यहाँ पे लिखते थे, साइन यहाँ पे करते थे, क्या तुम लोग भी ऐसा करते थे, ठीक है, तब तुम लोग और छोटी क्लास में होंगे, नहीं किया है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा फॉर्मेट बदल गया, फॉर्मेट बदलने के बाद उन्होंने सारी चीजें क्या कर दी, यहाँ शिफ्ट कर, इन सबको ही बोलते हैं लेआउट, इन सबको ही कहते हैं बच्चा लेआउट। लेआउट मतलब अरेंज कहाँ कर रहे, राइट साइड करो या फिर बच्चा लेफ्ट साइड करो। आ जाओ ये सारे पैटर्न्स हम सीखें, ठीक है। अब पैटर्न्स आप सीखेंगे बच्चा कौन सा क्या क्या होता है, तो लेआउट क्या होना चाहिए लेटर का, मतलब द वे ऑफ अरेंज, आप अरेंज कहां करोगे, राइट साइड की लेफ्ट साइड। इन्होंने कहा दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते बच्चा ब्लॉक्ड, एक को हम बोलते ब्लॉक्ड वाला लेआउट, और दूसरे को क्या बोलते बच्चा सेमी ब्लॉक्ड। बच्चा आपके सिलेबस में ये दो ही दे रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ताकि नॉलेज आपको कंप्लीट मिलनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज ना। ब्लॉक्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चा फॉर्मल, अभी मैंने आपको टाइप बताए, बिजनेस लेटर एक फॉर्मल होता है और एक होता है बच्चा इनफॉर्मल, तो ब्लॉक्ड क्या होता है बच्चा फॉर्मल और सेमी ब्लॉक क्या होता है इनफॉर्मल। मतलब जितने भी बिजनेस लेटर फॉर्मल नेचर के होंगे वो कौन सा लेआउट लेंगे बच्चा ब्लॉक्ड वाला, जितने भी इनफॉर्मल होंगे वो कौन सा लेंगे बच्चा सेमी ब्लॉक्ड। क्या ये बात समझ में आई, तो फॉर्मल वाला कौन सा फॉलो करेगा बच्चा ब्लॉक्ड लेआउट, लेआउट बच्चा जो अरेंजमेंट सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो बच्चा तीन होते, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो कितने होते बच्चा तीन होते। पहला क्या होता है ब्लॉक स्टाइल होता है, दूसरा क्या होता है
मॉडिफाइड होता है ब्लॉक, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूं बींग अ सीएस आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए एक मॉडिफाइड ब्लॉक होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चा, सेमी ब्लॉक। आपके सिलेबस में ये और ये दे रखा है, क्लियर है बच्चा? अब थोड़ा सा बच्चा इन तीनों को ध्यान से देखिए। सबसे पहला, रुक तो जा, सबसे पहले देखो सारी चीजें कहां है, सारी चीजें लेफ्ट साइड में, तो ब्लॉक्ड क्या है, सब लेफ्ट में। तो अगर फॉर्मल बिजनेस लेटर है तो क्या होना चाहिए, सबके सब लेफ्ट में। और अभी जो मैंने आपको पैटर्न, जब मैंने आपको गुड है ना, एसेंशियल गुड बिजनेस लेटर्स बताए, तो सारी की सारी चीजें कहां बताई थी, सब लेफ्ट में थी। बस वो ऑप्शन दे रहे थे कि यहां भी कर सकते, यहां भी कर सकते, ठीक है। ये कह रहे हैं हमने ब्लॉक को क्या किया है, ब्लॉक को क्या किया, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड, थोड़ा बहुत चेंजेस। बच्चा सबसे ऊपर क्या लिखते थे मुझे बताओ, लेटर हेड के बाद, लेटर हेड तो कुछ लिखना नहीं होता था, रेफरेंस नंबर के नीचे डेट, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह छोड़ेंगे, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर अटेंशन लाइन, फिर सब्जेक्ट ऑप्शन था है ना, सैल्यूटेशन, देन उसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी कंटेंट, देन उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, ठीक है, थैंकिंग यू करके एक वो लिख देना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर उसके बाद सिग्नेचर एंड ऑल। सारी चीजें कहाँ है, लेफ्ट साइड है। ब्लॉक समझ में आ गया, फॉर्मल यही समझते आए हैं, स्कूल में भी यही फॉलो किया, ठीक है। अब आते बच्चे मॉडिफाई ब्लॉक, ये क्या है, कुछ चीजें देखो शिफ्ट है, क्या शिफ्ट है बताऊंगी, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें शिफ्ट है, और बाकी सब क्या है, वापस वापस वापस। हमने बस ब्लॉक को क्या कर दिया बच्चा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने कहा भैया स्टार्टिंग की चीजें और एंड की चीजें, एक्चुअल में पहले हम यही करते थे, हम यही फॉलो करते थे, ठीक है। और सारी चीजें क्या है, सेम लेफ्ट है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन बच्चा सेमी ब्लॉक देखो बच्चा, यहाँ पे ये तो चीजें सेम ही है, लेकिन क्या बाकी सेम है, एक बार अच्छे से देखो। मेन बॉडी में कुछ दिख रही है चेंजेस, इतनी स्पेस है, थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं। कभी कभार हम नोटिस करना, आप खुद लिखते थे लेकिन आपको पता नहीं था, जब आप डियर सर मैम लिखते थे या रिस्पेक्टेड सर लिखते थे तो थोड़ा सा जगह छोड़ते थे ना, तो छोड़ने वाला एक रूल होता है, लेकिन हम बस सुंदर दिखता है इसीलिए हम करते थे। हाँ उस टाइम पे एक्चुअल में क्या है ना, स्कूल वालों को बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती थी और रूल्स तो जानते हो ना कितने बदलते रहते हैं, ठीक है। तो टीचर को ऐसा लगता था भाई तुमको जो ठीक लगे कर दो यार, है ना। चलो तो बच्चा दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपके खुद की बुक ने, अब हम सीएसईटी तो पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने भी तो बस यार ये बताया और बस ये बताया क्या नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ है ना कि पता होना चाहिए, ये भी होता है, बस फॉलो नहीं करते, ठीक है। कहीं कहार होता है लेकिन वो गलत नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ होता है ये, लेकिन बस आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, ठीक है, ये भी आप प्रैक्टिकली देखो। चलिए सबसे पहले ब्लॉक्ड क्या था, सब कुछ लेफ्ट में था। चलिए सबसे पहले बच्चा क्या मिस किया इन्होंने, मैंने आपको बताया था रेफरेंस नंबर तब यूज करते जब लेटर बहुत सारे होंगे। भैया हमें लेटर में इतनी ज्यादा डीलिंग करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें लेटर में ज्यादा डील नहीं करनी होती है, इसलिए हम भी रेफरेंस नंबर नहीं डालते, ज्यादा होगा तो डालना अदरवाइज नहीं डालना। चलिए डेट की बात क्या था, हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी जगह छोड़ी है ना, जब हम ये बताते कि रजिस्टर्ड पोस्ट है स्पीड पोस्ट है तो हम छोड़ते हैं, है ना। हाँ इसने जगह तो छोड़ी लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि ये सारा नेचर नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि सबके सब में स्पेशल मार्किंग हम करें ही करें, जगह छोड़ दो, जरूरत होगी तो करना अदरवाइज नहीं करना। उसके बाद क्या पढ़ा था, इनसाइड एड्रेस है, फिर उसके बाद अटेंशन लाइन भी जरूरी थोड़ी ना है, जब स्पेसिफिक अटेंशन लाइन जब स्पेसिफिक होगा तो यूज करना अदरवाइज नहीं, है ना, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना, ठीक है। चलिए फिर बच्चा सब्जेक्ट की जरूरत ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं ना, लेकिन सब्जेक्ट को भी हमने पढ़ा था जब बहुत लंबा लेटर होता है तो, लेकिन आपने जो स्कूल में एप्लीकेशन लिखी ना छोटी लिखते थे तुम लोग, लेकिन तब भी सब्जेक्ट लिखते थे, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना जरूरी है बच्चा, कंपल्सरी होता है एक्चुअल में। लेकिन बच्चा सब्जेक्ट लिखने का पर्पस क्या है, शॉर्ट में पता चल जाए,
हमेशा लिखना ही चाहिए। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने अलाउ कर रखा है। इनका कहना क्या है, इनका कहना क्या है भैया, लेंदी है तो लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए, लिखो, क्योंकि शॉर्ट में पता चल जाएगा ना कि है क्या, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें चार लाइन भी पढ़नी पड़ती है तो पढ़नी पड़ेगी ना, एक लाइन में पता चल जाता ज्यादा बेटर है। बीइंग अ सीएस हमेशा आपको क्या प्रमोट करना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इसलिए टीचर ने भी पोस्ट डाला, वो सही डाला, लेकिन इनके रूल्स बताते हैं कि ये ऑप्शनल है। कब यूज करना है, जब लेंदी होगा, ज्यादा लेंदी होगा तो। लेकिन बीइंग अ सीएस हम क्या सजेस्ट करेंगे, लिखो। ये बस ऐसे ही है कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन बीइंग अ सीएस क्यों, क्या लॉजिक है, प्रूफ दे पाओ, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, नहीं तो कोर्ट भगा देगा। प्रूफ क्या है, पार्टनरशिप है भी कि नहीं आपकी, है ना। तो बच्चा रूल्स कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ हमें अपने खुद के रूल्स बनाने चाहिए ताकि आगे चलकर किचकिच ना हो, क्योंकि भैया आप भी परेशान होंगे ना। चले नेक्स्ट, सैल्यूटेशन की बात करके पढ़ा था, बॉडी याद आती थी, बॉडी में कितने पार्ट थे बच्चा, तीन पार्ट थे, ठीक है। चलिए एक दो तीन, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन होता था, दूसरे पार्ट में मिडिल सेक्शन, देन कंक्लूजन, ठीक है। फिर कंक्लूजन के बाद बोला था ना, थैंक यू का एक डाल देना फीडबैक, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज था, देन सिग्नेचर विग्नेचर डेजिग्नेशन, है ना, और नाम के साथ लिख देना, यही था। यह आपने क्या पढ़ा है, ब्लॉक, सारी चीजें एकदम देखो चिपकी हुई है लेफ्ट साइड में, हाँ ये सारी चीजें अब आएगी, यही चीजें अभी मैं बताने वाली। पहले मुझे बताओ क्या ब्लॉक स्टाइल समझ में आया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं मॉडिफाइड, इसमें कुछ ऊपर का और नीचे का शिफ्ट था, ये एक्चुअली एकदम कोने में जाना था, वो बना नहीं पाए, गलती हो गई है, ठीक है। ये बीच में नहीं है बता दूं, ये राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में, वापस आओ वापस आओ। यहाँ पे क्या था, क्या है सेकंड वाला, कौन सा है, इसमें एक्चुअल में तीन लाइन लिख दी है, मतलब ये डेट की बात कर रहा है, ठीक है, डेट की सॉरी रेफरेंस नंबर की बात कर रहा है और इसकी नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए ऊपर क्या इन्होंने शिफ्ट किया, डेट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये राइट साइड है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये मिड में नहीं है, राइट साइड में है, बस वो थोड़ा सही प्रेजेंटेशन नहीं है। बाकी सारी चीजें क्या है, बाकी सारी चीजें लेफ्ट में ही है ना। तो आपको बस क्या सेमी में क्या याद रखना है कि भाई ऊपर की डेट जा रही है और नीचे का क्या जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जा रहा है, फिर सिग्नेचर के साथ उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन जा रहा है, क्लियर है। दोनों शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसी के ऊपर नीचे होता है, तो आप उसको दोनों को ही शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन रेफरेंस नंबर दिया क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादा डीलिंग होगी तो जरूर, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्या ये मॉडिफाई समझ में आया, चलिए अब आते हैं सेमी ब्लॉक में। बच्चा सेमी ब्लॉक में देखो क्या लिखा है, यहां पे ये तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे हल्के सा मार्जिन छूटा है, डेट, डेट शिफ्ट है, डेट शिफ्ट है बच्चा, देन सेम सेमी मॉडिफाइड में और सेमी की बात करूं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी जगह छोड़ी, और ये स्पेस हमेशा किसमें छोड़नी है, मेन बॉडी में, मेन बॉडी के तीन पैराग्राफ, मेन बॉडी के तीन पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, मिडिल, देन कंक्लूजन, बस थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना है, क्या ये बात समझ में आई पक्का। और रात की बुक ने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि दिखने में तो दोनों सेम ही है ना, बस डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा स्लाइट अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे आपकी बुक में आएंगे वो जो कॉमर्स वगैरह सब, आ जाइए वापस वापस वापस, हम पढ़ के आ रहे बच्चा लेआउट, लेआउट मतलब क्या, कैसे आप अरेंज करते हो, है ना, वे ऑफ अरेंजमेंट, राइट साइड जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो। इन्होंने कहा भैया वैसे तो आ जाओ, एक ब्लॉक्ड होता और एक सेमी ब्लॉक्ड, आ जाइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चा ब्लॉक्ड फॉर्मेट, या फिर मैं इसे बोलूंगी फॉर्मल में यूज होता है। चलिए यहाँ पे बच्चा दो बातें दे रखी है, पहला डेट, क्या लिखा है बच्चा, डेट ऑफ द लेटर, फिर क्या लिखा है, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या, जितने भी रेफरेंस नंबर एंड ऑल, फिर क्या लिखा है बच्चा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा है बच्चा, सैल्यूटेशन, फिर क्या लिखा है, पैराग्राफ इन द बॉडी मतलब मेन बॉडी, फिर क्या लिखा है बच्चा, कंक्लूजन, सिग्नेचर, सारी की सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, जो मैंने आपको शो कर दी, आपकी बुक में तो नहीं दिख रहा है अभी, है ना, दिखाऊंगी आपकी बुक में, एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। सारी की सारी चीजें कहाँ है, लेफ्ट मार्जिन में, क्योंकि अब पहला पॉइंट समझ में आया,
जो कुछ भी होता है सब लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, दैट वॉज ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक फॉर्मेट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, उन्होंने कहा स्पेसमैन दे रखा है, स्पेसमैन बच्चा ये दे रखा है, तुम्हें दिख रहा है, दो मिनट, क्या ये स्पेसमैन दिख रहा है? ये लेटर हेड का इंफॉर्मेशन है तो इसको तो ध्यान मत दो, ये हम थोड़ा लिखते, ये तो पेपर में खुद ही प्रिंट होता है, ठीक है। अब ये रेफरेंस नंबर दिख रहा है, इन्होंने देखो क्या लिखा है, कंपनी, फिर क्या लिखा है मार्च में, फिर वन दे दिया, अनोगिबन का 26 चल रहा होगा, ठीक है, वो इनकी खुद की कोडिंग होती है, ठीक है। फिर डेट लिखा है बच्चा, ये क्या लिखा है, रेफरेंस नंबर, डेट, ये स्पेशल मार्जिन की जगह, फिर इनसाइड एड्रेस, देखो सॉरी ये कुछ और लिखा है, फिर इन्होंने दो रेफरेंस डाले, ऑर्डर नंबर भी डाला है बच्चा, एक्चुअल में उन्होंने दो रेफरेंस डाले, ठीक है। हाँ, ये कंपनी के लेटर के लिए और ये उसके ऑर्डर के लिए, मतलब जो जो ज्यादा डीलिंग करेगा वो उतने ज्यादा डालता जाएगा, ताकि कल को कस्टमर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई आपने ये वाला ऑर्डर नंबर दिया था, ठीक है। फिर बच्चा सब्जेक्ट लिखा है इन्होंने, कहाँ लिखा है सब्जेक्ट, नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन लिखना चाहिए था हमेशा, बींग अ सीएस आपको क्या सजेस्ट करना है, लिखो। हमें समझ में आया क्या, अभी शॉर्ट में पता चल जाता है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, वैसे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है। एग्जाम में क्या याद आएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, सीक्वेंस, लेफ्ट मार्जिन में ये बोल दिया जाएगा ब्लॉक्ड है ना, राइट मार्जिन में होता है, ट्रू या फॉल्स, नहीं नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाते वो लोग, नहीं ऐसा नहीं बनाते, ठीक है। चलिए तो ये वही सब है बच्चा, मेन बॉडी सब लेफ्ट में है, देखो सब लेफ्ट में है, ठीक है। तो बच्चा ब्लॉक फॉर्मेट में कितनी बातें आती हैं, कितनी बातें आती है बच्चा, दो। अभी हमने पहली बात समझी, पहली बात क्या समझी कि सारी चीजें कहाँ आएंगी, लेफ्ट मार्जिन में, दैट्स इट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। चलिए ये बोलते हैं अनदर पॉइंट टू नोट इन दैट इज, बच्चा फॉर्मेट क्या लिखा है, अब कॉमा, ये वाली चीजें स्कूल में नहीं ध्यान दी, कभी कभार आपने कभी लगा भी देते हो कभी नहीं भी लगाते हो, ऐसा होता था, है ना। चलो इन्होंने कहा भैया अगर नो कॉमा यूज, किस किस में, इनसाइड एड्रेस, जब एड्रेस लिखते तो कॉमा यूज करते थे, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर कॉमा लगाते थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉमा, इन्होंने क्या बोला ब्लॉक फॉर्मेट में कॉमाज यूज नहीं करते हैं, वापस। हाँ, अनदर पॉइंट इज नोट दैट इन दिस फॉर्मेट नो कॉमाज आर यूज, मतलब कोई कॉमा यूज नहीं करते, हम बाद में लगाते थे ना हमेशा, डियर सर लिखते थे, पहले बताओ ऐसे लिखते डियर सर कॉमा, लेकिन उन्होंने कहा ब्लॉक जो फॉर्मेट होता है उसमें कॉमा यूज नहीं होता, कॉमा मत लगाइए। हाँ, उन्होंने वो गलत कर रखा है, एक्चुअल में क्या है ना, जो लिखता है जो बनाता है, है ना, और जो टाइपिंग करता है वो दो अलग लोग होते हैं, है ना। अब टाइपिंग वाले को तो लगे कॉमा तो लगना चाहिए, है ना, तो वो उनसे गलती हो गई है, कहीं नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, इनसाइड एड्रेस में कॉमा नहीं, सैल्यूटेशन में नहीं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी, आपको बनाने को नहीं बोला जा रहा है। अब बच्चा बच्चा देखो इनसाइड एड्रेस दिख रहा है, इनसाइड एड्रेस दिख रहा है, इनसाइड एड्रेस के बाद हमने और क्या पढ़ा था, सैल्यूटेशन दिख रहा है, देन उसके बाद इन पगलों ने लगा के तो रखा है, गलत लगाया, ठीक है, कहां दिक्कत हो गई, कुछ नहीं, हाँ एक्चुअली वहां लगाते भी नहीं है, है ना, और उन्होंने बता भी दिया है कि गलती से लगाना भी मत, बच्चा नलायको वापस वापस। चलिए ब्लॉक में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहली चीज सारी चीजें लेफ्ट साइड, और दूसरा बच्चा कॉमा यूज करना ही नहीं है, इन तीन चीज में बोला है, और वैसे डेट में कॉमा लगता है क्या, वो तो स्लैश होता है वैसे, सुनो सुनो सुनो, इन्होंने बोला कॉमा कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, बस इन तीन जगह, बाकी सारी जगह यूज करो ना, अंदर का जब कंटेंट लिखोगे मेन बॉडी लिखोगे तो लिखते लिखते भी तो कॉमा यूज होता है ग्रामर में, जैसे ये, हाँ तो लिखा क्या है, कहाँ यूज नहीं होना है, बस इन तीन जगह, बाकी जगह भर भर के करो ना, समझ में आ गया, बाकी जगह कर सकते, ब्लॉक का अरेंजमेंट क्या है इन तीन जगह बस मत करना, बाकी जहां करना करो, ठीक। नेक्स्ट
चलिए बस 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 बच्चा ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लो बस। सेमी ब्लॉक क्या बोलता है यहाँ पे बच्चा? तीन बातें। पहली बात द डेट, क्या लिखा है बच्चा? डेट। और गलती से उन्होंने कंक्लूजन लिख दिया बच्चा, उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दो, है ना। बुक प्रिंट करने वाले से गलती हो गई है, कंक्लूजन को कट कर कर वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करो, ठीक है। ये सेकंड लाइन दिख रही है ना कंक्लूजन, ये कंक्लूजन दिख रहा है इसको, अरे कंक्लूजन को काट के लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। बच्चा यहां पे अगर फॉर्मेट देखोगे, ऊपर और नीचे की चीजें शिफ्ट थी ना, ऊपर और नीचे की, तो क्या क्या बोल रहे हैं? डेट। ऊपर क्या था बच्चा? डेट। और नीचे क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। पढ़ा था ना यार नलायको, ये वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डेट और ये सब पढ़ा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एक वापस ध्यान दो, ये देखा था डेट जा रहा था उस साइड शिफ्ट, मैंने ऐसा बताया था ना, राइट साइड है ये भी राइट साइड, तो नीचे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और क्या है? सिग्नेचर। कितनी चीज हो गई? तीन। पहली क्या है? डेट। फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर क्या है? सिग्नेचर। क्या लिखा है? राइट साइड। एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, ये पूछा जाएगा राइट साइड में क्या होता है। तो डेट आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, और बच्चा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के साथ जो जो आता है वो सब ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन। क्लैरिटी है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट तो लिखा नहीं लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखा है बच्चा? दूसरा पॉइंट बता रही, पहला पॉइंट सबको क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा है? एक्चुअली में सब्जेक्ट और रेफरेंस दोनों को कॉमन दिया है। रेफरेंस कौन सा वाला? वो ऑर्डर वाला रेफरेंस था, वो दो दो रेफरेंस यूज कर रहे थे ना बच्चा, यहाँ नहीं किया, ये वाला दिख रहा है बच्चा। इन्होंने दो चीजें, एक अपने बिजनेस लेटर वाला लिखा था और एक ऑर्डर वाला। बच्चा जो बहुत ज्यादा डीलिंग कर रहा है वो करेगा, तो इन्होंने इसका मतलब सब्जेक्ट ही दे रखा है। एक्चुअल में इन्होंने अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया है, इनका सब्जेक्ट से मतलब क्या है? ये किसी ने ऑर्डर दिया है, मतलब किसी कंपनी को, कोई दूसरी कंपनी क्या कर रही है, क्लाइंट क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे इतने इतने फर्नीचर चाहिए, मुझे इतने इतने प्रोडक्ट चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस बस, इसीलिए उन्होंने इसको ऑर्डर, इसी को सब्जेक्ट कंसिडर किया। बच्चा वापस सब्जेक्ट की ऑर्डर क्या बोल रहा है, इन्होंने कहा होना चाहिए? बीच में, सेंटर में, सेंटर में लिखा है, ठीक है। तो ये सेमी है, ये राइट नहीं है। हमने पढ़ा था राइट साइड में कितनी चीजें जा रही है? तीन। डेट जा रही है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। सेंटर में क्या रहेगा? एक चीज सेंटर में बोला, या तो सब्जेक्ट या तो अगर आपने रेफरेंस वो ऑर्डर जो यूज कर रखा है वो सब्जेक्ट ही है, इन शॉर्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पैराग्राफ बच्चा जो भी वो मेन बॉडी है वो स्लाइट, क्या लिखा है बच्चा? इंडेंट लिखा है। स्लाइट इंडेंट मतलब ये थोड़ा सा जो खिसक कर है ना मार्जिन से, थोड़ा सा स्लाइट इंडेंट है, अंदर की तरफ है, ठीक है। दिखा रही हूं आप, ये क्या है? थोड़ा सा खिसक कर है ना अंदर, कहां से चालू किया है इसको, क्या बोलते हैं? स्लाइट इंडेंट मतलब थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट किया है ना, पक्का समझ में आ गया। चलो तीन बातें पढ़ ली, पहली बात क्या पढ़ी? डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। क्या होगा? एकदम राइट होगा। मिडिल में क्या रहेगा? सब्जेक्ट या फिर रेफरेंस, जो भी उन्होंने उसे सब्जेक्ट को रेफरेंस बोला। तीसरा पॉइंट क्या बताया? स्लाइट इंडेंट है ना, मेन बॉडी हमेशा थोड़े से अंदर से स्टार्ट होगा, पहला सेंटेंस, बाकी तो वहीं से होगा, यही था ना बच्चा। फोर्थ पॉइंट यहां से चालू हो रहा है, क्या लिखा है? कॉमा आर यूज, यहाँ पे कॉमा यूज होगा, वहां कॉमा यूज नहीं हो रहा था, तीन जगह पे नहीं हो रहा था। कौन कौन सी वो तीन जगह थी? एड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सैल्यूटेशन, ठीक है। ये कह रहे कॉमा यूज करना है, किस में? इनसाइड एड्रेस में यूज करना है। आप हमेशा ये वाला फॉलो करते थे, कुछ गलत नहीं करते थे, आप हमेशा ये फॉलो। और आप क्या थे? इनफॉर्मल थे ना आप? आप कौन सा बिजनेस लेटर किसी कंपनी को भेज रहे थे? जॉब भेज रहे थे, तो वो अब नॉलेज नहीं था ना कि कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो पिन कोड से समझेंगे और फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, ठीक है। तो इनसाइड एड्रेस में कॉमा लगाने का, फिर क्या लिखा है बच्चा? सैल्यूटेशन में लगाने का, और ये क्या बोल रहा है? जिस जिस में वहां नहीं लगाना था, क्या बात समझ में आ रही? कोई गलती तो निकालता नहीं है वैसे, मैं बता दूं, समझ रहे हो? लेकिन आपके ये सारी चीजें को फॉलो करने से बस प्रोफेशनलिज्म दिखता है, बस ये वाली चीजें, बाकी कुछ नहीं। हाँ
इनफॉर्मल है ना, लगा दिया। किसका मतलब बच्चा, किसका? ओमिट मतलब इन्होंने कहा अगर भूल जाते हो, ठीक है। कॉमा प्रैक्टिस नाउ, बच्चा रीड कर रही। हाउएवर जो ये कॉमा की जो प्रैक्टिस है, नाउ इट्स ओमिट द यूज ऑफ द कॉमा इनसाइड एड्रेस। लेकिन जनरली लोग धीरे धीरे क्या करें बच्चा, एड्रेस में कॉमर्स लगाना भूल जा रहे हैं, है ना। लेकिन हम तो लगा ही रहे जानबूझ कर, हमें तो लग रहा है हमें एड्रेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन 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 बच्चा आपको बस याद रखना किसमें लगना और किसमें नहीं लगना। फॉर्मल में लगता नहीं है, इनफॉर्मल लगता है, ठीक है। हमको समझ में आता नहीं है बिना कॉमा के, ठीक है। और हम लोग अभी तक इनफॉर्मल फॉलो कर रहे हैं ना। एक बार देखो क्या यहाँ डेट दिख रही है, पहला पॉइंट यही था। पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये तीन चीजें किस साइड आएगी, राइट साइड। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये बीच में आएगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, जो मेन बॉडी होगी स्लाइड इंडेंट होगी, ये जो कि ये इंडेंट है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा, कॉमा यूज। वैसे देखो इन्होंने हर जगह किया है, ये देखो ये देखो ये देखो किया है, किया है, यहां भी किया है, देखो किया है ना, देखो हर जगह कॉमा यूज किया है, किया है ना। क्लैरिटी है बस, वहां गलती से वो लोग हटाना भूल गए, ठीक है। क्योंकि टाइप करने वाले की हैबिट होगी ना लगाने की, ठीक है। क्लियर है बच्चा? अब मुझे बताओ आज क्या क्या पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा है, बस रिवीजन करवा दी। सबसे पहले बिजनेस लेटर के टाइप दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन्होंने कहा भैया फॉर्मल में लेआउट कौन सा यूज होता है, ब्लॉक, और सेमी ब्लॉक कौन सा वाला है, इनफॉर्मल। फिर उन्होंने कहा ब्लॉग में कितनी बातें, दो, सारी चीजें लेफ्ट साइड, सारी चीजें लेफ्ट साइड। और सेकंड पॉइंट क्या है, कॉमा यूज नहीं करना है तीन जगह पे, ठीक है। फिर हमने सेमी ब्लॉग में चार बातें पढ़ी हैं, कुछ तीन चीजें थी जो कि राइट साइड चली गई थी, वो तीन चीजें क्या थी, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। बच्चा कहां गया, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर कहां चले जाएंगे, राइट। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, सब्जेक्ट और रेफरेंस कहां रहेंगे, मिड में। देन थर्ड बात क्या पढ़ी, स्लाइड इंडेंट, थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट करना है। और आखिरी बात क्या पढ़ी, इन तीन जगह पे कॉमा, बस इतना ही।